31,031 बोला लोकर 131,000 बड़े बोला सोचो सचिन 131,331 सचिन देखिए 11 बज गई है। एक सुविधा बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक फटाफट नहीं एक सुन लो, अभी चलते रहेगा। 11:38 पे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हम वेदी पे विराजमान कर देंगे, बाकी मूर्तियाँ बाद में करेंगे। तुम्हारी बोलियाँ कार्यक्रम चलता है, ठीक है चलेगा। पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा वेदी में पहले भी जाते हैं, जो हमारी प्राचीन प्रतिमा है, तो फिर इसके लिए फिर बोलिया तो या तो फट से बोल दो, बोलिया या तो 5 मिनट में खत्म करो, छोड़ दो। हाँ चलिए जल्दी जल्दी हो जाएगा समय पे सब। देखिए मुहूर्त क्या उतना ही नहीं, 11:48 से लेकर 40 मिनट तक चलता है मुहूर्त। मुहूर्त का ये होता है चलता है आगे मुहूर्त के, उतना ही ये नहीं होता, उसका समय सीमा रहती है, उसकी घड़िया होती है, उस घड़ी में 38 मिनट से आगे चलेगा कोई बात नहीं, होगा सब चलेगा। चलिए कहाँ चल रहे थे, 131,331, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए अंतिम बार पुकार रहा हूँ, समय अब खत्म, अंतिम बार पुकार रहा हूँ 131,331 पूरे 3 बार। ये सौभाग्य श्रीमान अक्षय रविंद्र पापड़ीवाल, आदर्श दिलीप कसलीवाल, अमोल शांतिलाल जी धोंडे, इनकी ओर से सौभाग्य जोरदार ताली बजाएंगे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आप चलते हैं हम सीधे मंदिर की ओर, जहां पट खोलना है, मंदिर का पट उद्घाटन। हर्षो इधर ऊपर आ जाना, 21,000 पट उद्घाटन, मंदिर का दरवाजा खोलना, समझ गए भाई, पट उद्घाटन मतलब मंदिर का दरवाजा खोलना, ठीक है। चलिए 21,231 25,525 जल्दी जल्दी बोलेंगे भाई, 31,331 31,331 जब तक जिन मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे तो जिन प्रतिमा भी बाहर रहेंगी। हाँ सबसे महत्वपूर्ण है, मास्टर की है ये। चलिए 31,331 एक, 31,331 दो, अड़ी पौने तीन, इधर हो। हाँ बोलो बोलो, 35,535 41,441 वाह मामा सा आवाज निकला था, 41,441 41,441 प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, जपत रहो जात रहो कल्याण मिलता है, हर जग के कोने से एक दीपक जलता है। चलिए 41,441 एक, 41,441 दो, 41,545 रुपया, 45,545 एक, 45,545 दो, ढाई पौने तीन, और ये 45,000। हाँ बोलो बोलो, अरे पापी मन कर ले पूजन, अरे पापी मन 45 शेवट से पुकार तो 45,545 एक, 45,545 दो, अड़ी पौने तीन, आणि 45,545 शेवटचं पुकारतोय, 45,000 मंदिरचा दरवाजा उघडायचा आहे, पुन्हा एकदा सांगतो आणि शेवटचं पुकारतो, इतना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा, तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा किस दर से दोबारा, हमें आना पड़ेगा किस दर से दोबारा, कितना प्यारा
इतना प्यारा है ये द्वारा जहाँ संकट कटते हैं, इतना प्यारा है ये द्वारा जहाँ संकट कटते हैं, सारे जग से है न्यारा जहाँ सुख दुख बटते हैं। क्या बात है, आइए और जुड़ जाएंगे यहाँ सुख दुख बांटने के बाद, यहाँ तो कट जाएंगे हमारे। और आज सौभाग्यशाली का उसका चयन हो रहा है 45,545 एक, 45,545 दो, और ये अंतिम बार 45,545 रुपए पूरे तीन बार। ये सौभाग्य किसका? श्रीमान डॉक्टर वंदना राजेंद्र जी काला, इनके ओर से सौभाग्य जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आप अंदर वेदी पे एक सफेद पट बांधा है, अंकन्यास किया है वेदी पे सफेद पट बांधा है, उस पट का उद्घाटन करना है, पट का उद्घाटन करना है। चलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलेंगे। जो वेदी पे पट बांधा है कपड़े का है वो सफेद, वो कौन सा भाग्यशाली है उसका उद्घाटन करेगा पट उद्घाटन। अब बोलिए जल्दी जल्दी, पट उद्घाटन, ज्यादा समय नहीं लेना है, पट उद्घाटन, वेदी के पट का उद्घाटन। हाँ बोला, अरे खुल गए मंदिर के ताले, खुल गए ताले मंदिर के, प्रभु दर्श पा गए। अरे खुल गए तारे मंदिर के, प्रभु दर्श पा गए, थके हारे हम सारे तेरे दर पे आ गए, थके सारे हम सारे तेरे दर पे आ गए। खुल गए ताले मंदिर के, प्रभु दर्श पा गए, खुल गए ताले मंदिर के, प्रभु दर्श पा गए, थके हारे हम सारे तेरे दर पे आ गए। उद्घाटन 51 से 51 11111 वेदी का पट उद्घाटन 11111 एक, 11111 दो, 11111 ढाई, पौने तीन और 11100। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। समय खिड़की तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के, मेरे घर के आए तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आए तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे रखना तेरा मंदिर पंचरत्न नवरत्न पारा ये सब होता है, उसमें से आप स्वस्तिक विराजमान करना है। 21,221 शाश्वत का स्वरूप है, शाश्वत का स्वरूप है स्वस्तिक 21। हाँ ओ क्या किया क्या किया क्या किया रे, तूने जीवन गमा दिया, तूने जीवन गमा दिया, क्या किया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। 21,221 एक, दो, अड़ीच, पौने तीन और 21,221 रुपए पूरे तीन। ना आदर्श दिलीप जी कासलीवाल, आदर्श दिलीप जी कासलीवाल ताले वाजवा तुम्ही टाळ्या। हाँ त्यानंतर पारा, स्वस्तिक नंतर पारा स्थापन करायचा आहे, अचलच स्वरूप पारा, बोला कुठून चालू करू, पारा स्थापन करायचा आहे, बोला पारा, पारा स्थापन करायचा आहे, बोली स्वस्तिक झाली आता पारा स्थापन करायचा आहे।
सर्व वस्तू आलेले आहेत आणि त्या स्थापन करण्याची बोली चालू आहे. पारा पारा बोला, पारा स्थापन करायचा आहे. कुठून चालू करू? बोलता का मी स्थापन करू? 11111 एक, 11111 दोन, 11111 अडीच, पुन्हा कोणाला बोलायचं? 11111 हा सोडू बोली. 11111 एक, दोन, अडीच, पावणे तीन आणि 11111 हा 15515 एक, 15515 दोन, अडीच, पावणे तीन, 21221 एक, 24424 एक, दोन, अडीच, पावणे तीन आणि सतीश भैया 31331 पारा 31331 एक, दोन, अडीच, पावणे तीन आणि 31000 भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है सचिन धन्नालाल जी पांडे, इनके ओर से सौभाग्य, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. श्रवण वाले भैया, अब आते हैं मात्र का यंत्र, जिसके नीचे मात्र का यंत्र होता है अचल यंत्र. तो यंत्र स्थापन, चलिए यंत्र स्थापन, अचल यंत्र कौन स्थापन करेगा? बोलो जल्दी जल्दी. मात्र का यंत्र स्थापन करना है, कहां से प्रारंभ करें? यंत्र स्थापन. हाँ जी बोला, यंत्र स्थापन चालू करो. ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं मिल रहा है. पचपन से पंचावन बोला, 55 से 55 हाँ बोला, 71 से 71 यंत्र स्थापन, 71 से 71 एक, 71 से 71 दोन, अडीच, पावणे तीन आणि 71 से 71 बोली सोडतो, 71 से 71 एक, दोन, अडीच, पावणे तीन आणि 71 से 71 रुपये पुरे तीन. नाव सांगा. अतुल अशोकचंदजी पापडीवाल, डोंबिवली निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद. अब आया अगला क्रम है सोना चांदी, दोनों सोना और चांदी, ये सारी चीज आ गई ना, नहीं तो यहाँ बोली करवा लेंगे चीजें नहीं होगी, मुश्किल होता है. ठीक है, सोना चांदी, सोना चांदी मूर्ति के नीचे स्थापन करना है. वैसे तो बहुत लोग होते हैं हमारी तरफ से छोटा सा, हमारे तरफ से छोटा सा, लेकिन ये समाज की ओर से ये विधि के रूप में ये बोली हो रही है. सोना चांदी स्थापन, हाँ बोला, सोना चांदी सगळे जवळ है, सोना चांदी यहाँ अवेलेबल है, आपको देना नहीं है. हाँ जी, सोना चांदी स्थापन 11111 और 11111 रुपए पूरे छोड़ रहा हूँ. एक, दो, ढाई और ये तीन. हाँ नाव सांगा, नाव सांगा, सोना चांदी विराजमान, नाव सांगा. दिव्य रविंद्र पापड़ीवाल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. और एक है हमारे
अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार्य है। अब पंडित जी आने के बाद इसका इतिहास स्वरूप है आपको बताएंगे। बोले भामंडल एक दोन अडीच पावणे तीन आणि अकरा हजार एकशे बारा हजार दोनशे बारा बारा हजार दोनशे बारा बारा हजार दोनशे बारा बारा हजार दोनशे बारा एक दोन अडीच पावणे तीन आणि बारा हजार पुन्हा बोलायचं कोणाला बारा हजार दोनशे बारा एक दोन अडीच पावणे तीन आणि बारा हजार दोनशे बारा रुपये पुरे पुरे तीन नाव सांगा प्रशांत माणिकचंदजी गंगवाल खूप खूप धन्यवाद। हा छत्राचं काय आहे छत्र आहे का बोली करो छत्र जो छत्र जो मूल नायक चंदा प्रभु भगवान के ऊपर जिनकी छत्र छाया में हम रहेंगे इस राजनंदगांव आप उनकी छत्र छाया में हम रहेंगे उनके ऊपर छत्र कौन चढ़ाएगा आइए जिनके 11111 छत्र चढ़ाना है छत्र चढ़ाना है 11111 जिनकी छत्र छाया में हम सब है 12212 एक बात छत्र किस इसकी बात भैया आवाज डालो साउंड वाले भैया जल्दी आ जाओ जान डालो पंडित जी के माइक पे जान डालो पंडित जी की जान डालो पंडित जी में जान डालो छत्र हमारा जो होता है वो तीन लोग के नाथ का प्रतीक होता है नीचे सबसे बड़ा फिर उसमें बड़ा छोटा और उसके ऊपर छोटा जो छोटा है वो सिद्धशिला है बीच वाला मध्य लोक है जहाँ हम लोग बैठे हैं और नीचे वाला अधोलोक है तीन लोक के नाथ का तीन छत्र होते हैं और ये छत्र जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक तीर्थंकर की पहचान नहीं होती है अष्ट प्रातिहार जब होते हैं जैसे भगवान को केवल ज्ञान होता है एक 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 प्रातिहार प्रकट होते चले जाता है तो उसमें का एक मुख्य चीन भगवान तीर्थंकर है ये पहचान अगर को करवाता है तो तीन लोक के नाथ का सामान्य केवल का एक भी हो सकता है सामान्य केवल का एक क्षेत्र भी हो सकता है तीर्थंकर केवल के जब भी होंगे अष्ट प्रातिहार पूरे होंगे तीन क्षेत्र वाला क्षेत्र होगा कौन सौभाग्यशाली चंदा प्रभु भगवान के मस्तक पर तीन लोक के नाथ का तीन छत्र चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा बोली चलती सचिव भैया 11111 बोली चल रही है 11111 बोला क्या नहीं 12000 चल रही थी 12212 12212 12212 तेरी छत्र छाया 21000 बरोबर है ना 21221 21221 21221 21221 बोला 21221 21221 एक 21221 दोन अडीच पावणे तीन 21221 हा 25525 25525 25525 35535 अडीच 41441 41441 41441 41441 45545 51551 51551 51551 51551 51551 पचपन गया पचपन आ गया पचपन पचपन हजार पांचे पचपन पंचावन हजार पांचे पंचावन पंचावन हजार पांचे पंचावन पंचावन हजार पांचे पंचावन पंचावन हजार पांचे पंचावन पंचावन हजार पांचे पंचावन
एक 55,552 55,552 अड़ी पौने तीन आनी 55,000 सोने का छत्र चढ़ाया मन को है ऐसा भाया, सोने का छत्र चढ़ाया मन को है ऐसा भाया, चरणों में करते हैं गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, सोने का छत्र चढ़ाया मन को है ऐसा भाया, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा एक दोन अड़ी पौने तीन हा बोला 71,771।